हम सिर्फ इसको दीनी एतबार से नहीं कवर कर रहे, यकीनन ये तो बुलावे की और नसीब की बात है, ये हमारा ईमान कहता है, लेकिन साथ साथ आप अपने रिसोर्सेज को कैसे प्लान कर सकते हैं? इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2.5 से ज्यादा, 2.5 इज आल्सो बिग नंबर, बिग नंबर। आपको पैकेज विद अजीजिया चाहिए या विदाउट अजीजिया चाहिए? देखें, हज से बिल्कुल जब करीब हम पहुंचते हैं ना, तो मक्का और मदीना की प्रॉपर्टी की कीमतें बिल्कुल सुपर पीक सीजन वो कहलाता है। 1.5 किलोमीटर की वॉक होती है टोटल मीना के खेमे और उनकी एकोमोडेशन। शटल सर्विसेज 5 जिलहज्जा के बाद आप नहीं चलाएंगे। मीना जाने के लिए जो हम अक्सर कहते हैं खवातीन को खास करके, कि आपने जो है ना सामान कम से कम लेकर आना है। आज के दिन है 8 जिलहज्जा, 9 जिलहज्जा, उसमें जो डिग्री गर्मी होगी वो तकरीबन 50, 51, 49 डिग्री इस तरह से गर्मी होगी वहाँ। आजकल हर कोई कह रहा है कि नेक फैन लेना बड़ा जरूरी है, वो गर्दन में जो थोड़ी बहुत हवा उससे आ रही होगी। आपको अगर नमाज के लिए भी जाना है, वापस आना है, तो दिन में आपके जो हम स्टेप कहते हैं ना, फिटबिट में उसे काउंट करते हैं, तो 10 से 12 हज़ार स्टेप्स डेली आपकी होती है। तो अगर आप वॉक करने की अगर आपकी आदत है, हैबिट है, तो आई थिंक हज इतना मुश्किल नहीं है। हमें लगता है कि शायद ये हमारे साथ कॉर्नर कटिंग कर रहा है, और हम जब तक गुस्से से या रोब से बात नहीं करेंगे तो मुझे मेरा जायज हक नहीं मिलेगा। अक्सर कभी हाजी नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं कि जी मुज़दलिफा आ गया और आप हमें उतार क्यों नहीं रहे। पार्किंग है तो हम हाजियों को उतारते हैं, पार्किंग नहीं है तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, हम एक और चक्कर लगा कर आते हैं। तो कभी एक भी बच जाते हैं, कभी दो भी बच जाते हैं। एसी भी देखें, जब 50 डिग्री पे जब टेंट के अंदर एसी चल रहा होता है, तो वो एसी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कूलिंग नहीं कर रही। सही। तो मैं ये कहता हूँ कि हज का निचोड़ जो है ना वो मुज़दलिफा है। कई इशारों में कहा जाता है कि लैलतुल कद्र से भी ज्यादा अफजल ये रात है जिसमें आप मगफिरत की दुआ करें। जो मुज़दलिफा की रात है, लोग आने के बाद कहते हैं यार वो रात भूला नहीं जाता, यानी वो भूल नहीं सकते लोग। हमारे बड़े फरमाते हैं कि अकबरी या मकबूल हज वो है जो कबूल हो जाए, और कबूलियत की निशानी ये है कि जिंदगी में इंसान की तब्दीली आ जाए।